ये है दिल्ली दर्पण। प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में दर दर भटके, खोल दे राधा पटकूं गटके, सारा रा 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 होली भी रजमा तुझसे है रंगोली भी रजमा। होली में अब कुछ ही दिन शेष है और दिल्ली पर होली का रंग चढ़ रहा है। बीजेपी के लिए तो ये होली और भी खास है, क्योंकि देश ने एक तरफ तो कोरोना महामारी से लगभग विजय पा ही ली है और दूसरी तरफ बीजेपी को चार राज्यों में बंपर जीत मिली है। खासकर यूपी चुनावों में योगी आदित्यनाथ और मोदी की जोड़ी पर भरोसा जनता ने जताया है, उसे लेकर जोश और जश्न का माहौल ज्यादा है। हाथों में तलवारें थामे ये बीजेपी के विधायक, सांसद और नेता हैं, जो विपक्षियों को चुनौती दे रहे हैं। तस्वीरें बाहरी दिल्ली के अलीपुर में बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह और विजय उत्सव की है। इस समारोह में बड़ी संख्या में बाहरी जिला बीजेपी के स्थानीय नेता, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ साथ रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता और सांसद हंसराज हंस भी शामिल हुए। इन नेताओं के निशाने पर वो नेता और पार्टियां रहीं जो किसान आंदोलन के समर्थन में थीं, यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचार और बयानबाजी कर रही थीं। सांसद हंसराज हंस ने इसे सच और राष्ट्रवाद की जीत के साथ साथ मोदी योगी की जोड़ी की जीत बताया है। सच की जीत, गैरत की जीत, राष्ट्रवाद की जीत, उस बंपर शेर की जीत हुई है जिसकी मां ने गरीबी देखी, खुद गरीबी देखी, बहुत बड़ा संघर्ष देखा हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग भी इस होली मिलन और विजय उत्सव में शामिल हुए और जमकर जश्न मनाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता यूपी बीजेपी में भी रहे हैं। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता ने भी अपने अनुभव साझा किए। किसान आंदोलन के कारण और क्योंकि आरएलडी का समझौता हो गया सपा के साथ, तो जयंत चौधरी किसानों को जो हमारे मतदाता है उनको बहकाने में सफल हो जाएंगे और जाट मतदाता भाजपा से अलग हो जाएंगे। लेकिन साथियों, हिंदुस्तान के किसानों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भरपूर समर्थन दिया और जो समझौता हुआ था, जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का, वो फेल हो गया। इस समारोह में जितने भी नेता शामिल हुए उनके चेहरे पर यूपी जीत के रंग की रौनक साफ देखी जा सकती थी। अभी हाल ही में बने दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक कर्नल सिंह भी इस होली और विजय उत्सव में शामिल हुए। कर्नल सिंह ने भी कहा कि इस वर्ष की होली बेहद खास है और ये होली इस वर्ष ऐसी मनाई जानी चाहिए कि दुनिया भर में हिंदू संस्कृति की गूंज सुनाई दे। होली को सिर्फ फूलों से ना मनाए, रंग भी डालें। इस होली के पर्व पर खूब होली मनाइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हिंदुओं की वो जो संस्कृति है उसकी आवाज, उसकी गूंज सब जगह पहुंचे। अलीपुर में ये होली समारोह और विजय उत्सव कई घंटों तक चला। नेता मंच पर आते रहे और विजय गीत गाते रहे। और उसके बाद लोगों ने राधा कृष्ण की जोड़ी के सांस्कृतिक आयोजन का भी आनंद लिया। मेरी छोटी सी, मेरी नन्ही सी, मेरी छोटी सी किशोरी, मेरी प्यारी लागे।
कैमरामैन लोकेश के साथ प्रियंका आनंद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।